उर्वा, what did you do? समझ नहीं आई, एकदम confused हो गया था। क्या समझ नहीं आई? Confused हो गया था। किस बात पे? प्रेशर पड़ गया था एकदम। प्रेशर पड़ा था? जी। सवाल का जवाब भी सही नहीं दिया, बैंक भी गलत टाइम पे बोला और पास किया था, दूसरे में मैंने जवाब दिया था। पास कहने से अमाउंट सारा जीरो हो जाता है। लेकिन दूसरे वाले में जवाब दिया था मैंने, विमेन वाले। Now you all have to decide कि कौन है वो शख्स जो आपके और 15 लाख तक के कैश प्राइस के बीच में आ रहा है। किसको जाना चाहिए इस खेल से बाहर, राउंड टू से बाहर? आपका वक्त शुरू होता है अब। वोटिंग कीजिए, आपके सामने अपनी टैबलेट्स हैं, किसी भी बेसिस पे आप वोट कर सकते हैं। टाइम ज़्यादा लगा, समझ नहीं आ रहा, कंटेस्टेंट वीक प्लेयर है, अनाड़ी है, हमें खिलाड़ी चाहिए। यहाँ 9 लोग मौजूद हैं, 9 में से अब 8 होने वाले हैं। वो एक कौन होगा जो इलिमिनेट होने जा रहा है? ज्यादातर कंटेस्टेंट्स कंफ्यूज लग रहे थे। राउंड टू भी कंटेस्टेंट्स के लिए अच्छी नवीद नहीं लाया है। थिंक अबाउट इट एंड राइट द नेम सो आई कैन अनाउंस कि कौन इलिमिनेट हो रहा है। Are you all done? Yes. Shamas, किसको वोट आउट कर रहे हैं? उर्वा। उर्वा, why? वो बैंक कर रहा है बार बार और पास कर रहा है। और वो स्टार्टिंग थी तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट राउंड पे जब मेरे पास आया तब सवाल तो मैंने जवाब दिया था। यासिर किसका नाम लिखा है? वाह, क्यों? थोड़े से कंफ्यूजिंग। फर्स्ट राउंड में साइम, सेकंड राउंड में उनके नेबर उर्वा, क्यों? मुझे कंफ्यूज लग रहे थे बस, और कोई रीजन नहीं। आपको कंफ्यूज लग रहे थे? Yes. आपको लग रहा था कि कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। ऑल राइट जी, दो लोगों ने उर्वा बोला, लेकिन जो असल में नाम मेरे पास यहाँ मौजूद है, जो मेजॉरिटी ने नाम लिखा है इत्तेफाक से, वो एक नाम है जो बार बार आ रहा है यहाँ मेरे पास, और वो नाम है, वो शख्स आगे राउंड 3 में हमारे साथ नहीं होगा, और वो शख्स आप ही हैं उर्वा। यू हैव बीन एलिमिनेटेड। आप आखिरी खिलाड़ी कौन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ कहना चाह रहे क्या? थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ कि सबने मिलकर मेरा नाम लिया है, हालांकि सबने मिलकर आपका ही नाम लिया है, जो सबको मंजूर है, मुझे भी वही मंजूर। सिर्फ एक नाम अहमद का आया है, उसके बावजूद सब तमाम लोगों ने आपको ही वोट आउट किया है। कोई मसला नहीं, the decision is majorities, mere haath mein kuch bhi nahi hai. Thank you for being a part of aakhri khiladi kaun. Lekin ye hai ki maine starting mein thoda bura zarur liya tha, lekin main jawab zarur de raha tha. Mere khayal se Pakistan ki women team ke bare mein jo maine jawab diya wo shayad kisi aur ko bhi nahi aata tha, aur main aage jaake acha khel sakta tha. Main itna confident tha ki main aage jaake acha khel sakun. बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।